प्रणाली चल रही थी हमारी 5.2। तो कल हमने 6 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 और इसका अंतिम पद दे रखा है -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां पद है, तो यहां से श्रेणी समांतर है तो क्या लिखेंगे? AP। कितने दे रखी है? 10, 7, 4 और इसका अंतिम पद कितना दे रखा है? -62 दे रखा है। कितना दे रखा है? -62। श्रेणी दे रखी है हमें 10, 7, 4 और इस प्रकार से इसका अंतिम पद कितना दे रखा है हमें? -62। तो प्रथम पद ए तो कितना? 10। सार्व अंतर डी बराबर -7 यानी 7 - 10 बराबर कितना? -3। अगर हमें पहले वाले संख्या में अगर सार्व अंतर जोड़ते हैं तब तो क्या प्राप्त है? आगे वाला पद। अगर आगे वाले पद में से सार्व अंतर क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं, तो क्या होता है? पहले वाला पद प्राप्त होता है। अगर पहले वाले पद में सार्व अंतर जोड़ते हैं तब तो आगे वाला पद प्राप्त होता है। अगर आगे वाले पद में से सार्व अंतर घटा दें तो क्या होता है? पहले वाला पद प्राप्त होता है। लेकिन क्वेश्चन है कि अंतिम पद से याद करना है, कहां से? अंतिम पद से। तो अंतिम पद से अगर हमें 11वां पद ज्ञात करना है तो अंतिम पद के लिए बताओ ये क्या बन जाएगा? प्रथम पद बनेगा कि नहीं? अंतिम पद के लिए, अंतिम पद से अगर हमें 11वां पद ज्ञात करना है तो ये प्रथम पद बनेगा। बताओ प्रथम पद ए का मान कितना? -62। कितना? -62। और सार्व अंतर डी बराबर प्रथम से अगर -3 है तो अंतिम से क्या हो जाएगा? +3। क्या हो जाएगा? +3। तो -62 +3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? कितना आएगा? -59। कितना आ जाएगा? -59। तो बताओ इससे पहले वाला पद कितना? -59। तो बताओ अंतिम पद के लिए प्रथम पद ए का मान तो कितना? -62 और दूसरा पद ए टू कितना? -59। कितना? -59। तो यहां से एक स्टेप और बढ़ा सकते। समांतर श्रेणी दे रखी है हमें 10, 7, 4 और यहां से इसका अंतिम पद दे रखा है कितना? -62। तो -62 में अगर +3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? -59 और ये -62। अब अंतिम पद से प्रथम पद ए का मान कितना बताऊं? प्रथम पद ए बराबर तो कितना? -62। प्रथम पद ए बराबर कितना? -62। सार्व अंतर डी बराबर, सार्व अंतर डी बराबर क्या होगा? सूत्र ए टू माइनस ए वन। बताओ ए टू कितना है? ये ए वन है, ये क्या है? ए टू है। तो ए टू कितना है हमारे पास? -62 माइनस ए वन। कितना है? कितना है? ये तो है ए वन और ये क्या है? ए टू। तो बताओ ए टू वाला मान कितना है हमारे पास? -59। माइनस ए वन वाला मान कितना है? -62। तो -59 -, क्या बन गया? प्लस कितना? 62। तो यहां से बताओ कितना आ गया सार्व अंतर डी बराबर 3। अब हमें अंतिम पद से कौन सा पद याद करना है? 11वां। अब अंतिम पद से 11वां पद, अंतिम पद से 11वां पद ए 11 किस रूप में होगा बताओ? ए प्लस 10b। ए वाला मान तो कितना है हमारे पास? -62। कितना है? प्लस ए 10 × d वाला मान कितना है? 3 है। कितना है? तो -62 प्लस 10 को 3 से गुणा करेंगे
30 तो बताओ कितना आ गया -32। बताओ अंतिम पद से 11वां पद क्या होगा -32। तो नीचे क्या लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी का, अतः समांतर श्रेणी का, अतः समांतर श्रेणी का अंतिम पद से, अंतिम पद से 11वां पद, अंतिम पद से 11वां पद कितना होगा -32 होगा, -32 होगा। यानी हमें समांतर श्रेणी दे रखी है, हमें अंतिम पद से याद करना है। कहां से, अंतिम पद से। तो 10 में से 3 घटाया कितना 7, 7 में से 3 घटाया 4। अब 4 में 3 जोड़ेंगे 7 और 7 में 3 जोड़ेंगे 10, तो बताओ -65 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -59। तो अब अंतिम पद से प्रथम पद a बराबर तो कितना -65, सार्वंतर d बराबर a2 - a1, a2 कितना, ये a1 है, ये क्या है a2 है, a2 तो हो गया -59, -a1 कितना है -62, -59 -- बन गया +62, तो कितना आ गया 3। अब अंतिम पद से 11वां पद a11 बराबर a+10d, a वाला मान -62 +10 d वाला मान कितना 3, -62 +10 किया 30, कितना आ गया -32। अब अंतिम पद से 11वां पद कितना होगा -32 इसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 और इसका अंतिम पद दे रखा है 88 में अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा वैसा क्वेश्चन है, कितनी है समांतर श्रेणी AP, एक 4, 7, 10 और इसका अंतिम पद कितना है 88। अब इसमें भी हमें अंत से याद करना है, तो बताओ इसको क्या मानना पड़ेगा अंतिम पद से, प्रथम पद मानना पड़ेगा। तो बताओ एक में कित प्रथम पद है प्रारंभ से, दूसरा 4 है, तो 4 में 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10। अगर हमें 10 में से 7 घटाएंगे 3, अगर अंतिम से याद करना है तो बताओ 88 में से कितना घटाएं 3, कितना घटा दें, तो एक स्टेप और बढ़ा दो, एपी कितनी दे रखी है 1, 4, 7, 10, 3 कम कर दो इसमें से कितना, अगर पहले वाली संख्या में अगर 3 जोड़ते हैं तब तो आगे वाली प्राप्त होती है, अगर आगे वाले में से 3 घटाते हैं तब पहले वाली, तो आगे वाली संख्या 88 इसमें से 3 घटा दिया तो इससे पहले वाली संख्या ज्ञात हुई कि नहीं। अब बताओ अंतिम पद से प्रथम पद क्या होगा, अब अंतिम पद से, अंतिम पद से, अब अंतिम पद से प्रथम पद a बराबर कितना, प्रथम पद a बराबर कितना, कितना है बताओ 88। सार्वंतर d बराबर, सार्वंतर d बराबर a2 - a1, a2 कितना है, ये a1 है अंतिम से, ये क्या है a2 है, ये a1 है, ये क्या है a2 है, तो a2 कितना 85 -a1 कितना 88। तो बताओ सार्वंतर d कितना ज्ञात हो गया -3। हमें अंतिम पद से कौन सा पद याद करना है 12वां पद। अब अंतिम पद से, अंतिम पद से 12वां पद
बारहवां पद ए बारह किस रूप में होगा बताओ, ए प्लस ग्यारह डी, ए प्लस ग्यारह डी। बताओ ए वाला मान कितना है, अट्ठासी प्लस ग्यारह इंटू डी वाला मान कितना है, माइनस डी। अट्ठासी प्लस माइनस माइनस ग्यारह को तीन से गुना करेंगे तैतीस, कितना आ गया, आठ में तीन घटाएंगे पांच और आठ में तीन घटाएंगे पांच। तो बताओ अंतिम पद से बारहवां पद कितना, पचपन। आते हैं समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का अंतिम पद से, अंतिम पद से बारहवां पद पचपन होगा, कितना होगा पचपन होगा। समांतर श्रेणी दे रखी है, अंतिम पद से प्रथम पद है कितना अट्ठासी, सार्व अंतर डी बराबर ए वन और ए क्या है ए टू, तो ए टू माइनस ए वन पिचासी माइनस अट्ठासी कितना आ गया माइनस तीन, कितना आ गया माइनस तीन। अब अंतिम पद से बारहवां पद ए बारह बराबर ए प्लस ग्यारह डी, ए वाला मान कितना है बताओ अट्ठासी प्लस ग्यारह इंटू डी वाला मान माइनस तीन, तो अट्ठासी प्लस माइनस माइनस ग्यारह को तीन से गुना करेंगे तैतीस, तो कितना आ गया पचपन। अतः समांतर श्रेणी का अंतिम पद से बारहवां पद पचपन होगा। अब देखते हैं आगे वाला पद, एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, कितने पद हैं एक समांतर श्रेणी में, पद कितने हैं एक समांतर श्रेणी में, पद कितने हैं बताओ 60, कितने हैं 60। पदों को किससे लिखते हैं एन से, तो यानी पदों की संख्या एन कितनी दे रखी है 60। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद ग्रंथ से, प्रथम पद को तो लिखते हैं ए से, प्रथम पद कितना दे रखा है बताओ 7 और अंतिम पद कितना दे रखा है बताओ, अंतिम पद को किससे लिखते हैं ए एन से, किससे लिखते हैं ए एन से, वो दे रखा है कितना 125, कितना दे रखा है। और इसे अंतिम पद का एक दूसरा नाम है एल, यानी अंतिम पद को और किससे लिखते हैं एल से, अंतिम पद एल बोल दो चाहे या अंतिम पद ए एन, दोनों एक ही है। अगर ए एन का मान 125 है तो अंतिम पद एल का मान भी कितना है, अगर एन वहां पद ए एन 125 है तो अंतिम पद एल भी कितना होगा 125। तो उसका 32वां पद याद करो, कौन सा पद याद करना है 32वां पद, 32वां पद हमें क्या करना है याद करना है। बताओ श्रेणी कैसी है समांतर, श्रेणी कैसी है समांतर, इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं बताओ 60, कितने पद हैं 60 और प्रथम पद एक का मान कितना है 7, सार्व अंतर डी हमें क्या करना है याद करना है। और भी दे रखा है हमें कि इसका अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद होता है एल के बराबर या अंतिम पद को क्या बोलते हैं ए एन। तो बताओ अगर इसका अंतिम पद 125 है तो बताओ ये कौन सा पद है 125, कितने पद हैं पूरे 60। जैसे कोई समांतर श्रेणी है एक दो तीन चार, ठीक है ये समांतर श्रेणी है और आपको बता दिया कि समांतर श्रेणी में पद कितने हैं 4 हैं, पद कितने हैं 4, इस समांतर श्रेणी में पद कितने हैं 4 और इसका अंतिम पद है कौन सा पद है, अंतिम पद कितना है, अंतिम पद भी 4 है,
कितना है, इस समांतर श्रेणी पद कितने हैं, एक दो तीन और एक चार, और अंतिम पद कितना है चार। तो बताओ अंतिम पद कौन सा पद होगा, एक दो तीन और चार कौन सा पद होगा, चौथा पद। कौन सा पद है, चौथा पद। अगर किसी समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, कितने पद हैं, तो बताओ अंतिम पद कौन सा होगा, 60वां पद। कौन सा पद होगा, तो जो अंतिम पद ये एल है ये कौन सा पद है, 60वां पद, यानी किसके बराबर, ए 60 के बराबर। आई क्या बात समझ, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है और अंतिम पद दे रखा है 125, तो जो अंतिमवां पद होगा वो कौन से पद के बराबर होगा, 60वें पद के बराबर। और 60वें पद को क्या लिखते हैं, ए 60। क्या लिखते हैं, ए 60। बताओ श्रेणी कैसी है, समांतर। श्रेणी कैसी है, समांतर। तो क्या लिखेंगे, एपी में क्या दे रखा है, हमें पदों की संख्या दे रखी, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या एन बराबर कितनी दे रखी है हमें, 60। कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है। और ये प्रथम पद एक का मान कितना है, प्रथम पद ए बराबर कितना दे रखे हैं, 7 दे रखे हैं। प्रथम पद ए कितना दे रखे हैं, 7। और अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद है, इसको किससे लिखते हैं, या तो एल से या किससे लिखते हैं, ए एन से। वो कितना दे रखे हैं, 125। कितना दे रखे हैं, अंतिम पद एल या ए एन, कितना दे रखे हैं, 125। अब बताओ एन वाला मान हमारे पास कितना है, कितना है एन का मान, 60 है। तो बताओ क्या लिख देंगे यहां से, ए 60। कितना लिख देंगे, ए 60 बराबर कितना, 125। बताओ 60वां पद किस रूप में होगा, ए प्लस 59D बराबर कितना, 125। बताओ ए वाला मान कितना है, कितना है, 60 प्लस 59D बराबर कितना, 125। तो यहां से 59D बराबर 125 से प्लस का 7 क्या बन जाएगा, माइनस 7। प्लस का 7 क्या बन जाएगा, माइनस 7। तो यहां से 59D बराबर कितना आ गया, 125 में से 7 घटा दो कितना, 118। तो बताओ बी बराबर कितना आ गया, 118। ये 59 गुणा में किसमें आ जाएगा, भाग में। तो बताओ बी बराबर कितना आ गया, हमें तो कौन सा पद याद करना है, 32वां। कौन सा पद है, 32वां पद। तो नीचे लिखेंगे अब 32वां पद ए 32 किस रूप में होगा बताओ, ए प्लस का 31। ए वाला मान कितना है बताओ, ए वाला मान कितना है, 7 प्लस 31 इंटू डी वाला मान कितना है, 2। तो 7 प्लस 31 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ गया बताओ, 69। कितना आ गया, 69। तो नीचे क्या लिखेंगे, आता है समांतर श्रेणी का, आता है समांतर श्रेणी का, आता है समांतर श्रेणी का 32वां पद कितना होगा, 69 होगा। आता है समांतर श्रेणी का 32वां पद कितना होगा, 69। यानी पदों की संख्या एन दे रखी है हमें 60, प्रथम पद ए दे रखा है 7, अंतिम पद उसको एल से लिखते हैं और ए एन से लिखते हैं, वो कितना दे रखा है, 125। तो एन का मान कितना है हमारे पास, 60। तो क्या लिखेंगे, ए 60 बराबर 125। ये 60वां पद किस रूप में होगा, ए प्लस 59D बराबर 125। ए की जगह 7
7 क्या बन जाएगा माइनस 7, तो 59 डी बराबर 118, डी बराबर 118 59 गुणा में किसमें आ जाएगा भाग में, तो डी बराबर कितना आ गया 2। अब 32वां पद है, 32 बराबर n + 31 डी, a की जगह 7 + 31 * d की जगह 2, तो 7 + 31 को 2 से गुणा करेंगे 62 कितना आ गया 69, अतः समांतर श्रेणी का 32वां पद 69 होगा। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। चार संख्याएं समांतर श्रेणी में, कितनी संख्याएं? चार संख्याएं समांतर श्रेणी में कितनी है? बताओ कितनी संख्याएं समांतर श्रेणी में? चार। कितनी है? चार। यदि संख्याओं का योग दे रखा है 50, संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 50। संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 50। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की चार गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है छोटी संख्या से कितनी गुनी है? छोटी संख्या से कितनी गुनी है? चार गुनी। बताओ चार गुनी कौन है? ये बड़ी संख्या। ये बड़ी संख्या कितनी गुनी है? अगर ये चार ज्यादा होती तो चार इसमें जोड़ देते, लेकिन ये चार गुनी बड़ी है तो इसको किससे गुना कर दें? चार से, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा? अब मैंने आपको बताया था समांतर श्रेणी में पदों का चयन करना, समांतर श्रेणी में पदों का चयन करना। अगर पदों की संख्या सम हो, पदों की संख्या सम हो, तो मैंने मध्य वाले पद को क्या बताया था? मध्य वाले को। अब ये पदों की संख्या 1, 2, 3, 4 सम है, सम है, तो बताओ मध्य वाले पद कितने होंगे इसमें? मध्य वाले पद कितने होंगे इसमें? 2। ए को तो मान लिया था हमने ए माइनस डी, ए को क्या मान लिया था? ए प्लस डी। अगर समांतर श्रेणी में पदों की संख्या सम हो तो मध्य वाले कितने पद होंगे? 2। ए को मानना है ए माइनस डी और ए को क्या मानना है? ए प्लस डी। अब आगे वाली संख्या कैसे प्राप्त होगी? आगे वाली संख्या के लिए कितना डी जोड़ना पड़ेगा हमें? 2d, और पहले वाली संख्या के लिए 2d घटाना पड़ेगा। आगे बात समझ में। और अगर पदों की संख्या विषम हो, पदों की संख्या क्या हो? विषम हो, तब क्या करना है हमें? मध्य वाले पद को क्या मानना है? ए। और आगे वाले में डी क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, और पहले वाले में डी घटाना पड़ेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें कितनी संख्याओं का योग दे रखा है? चार संख्याओं का। कितनी संख्याओं का? चार संख्याओं का। तो यहां से मध्य वाली कितनी संख्याएं होंगी बताओ? दो। तो एक वाली को तो मानना है ए माइनस डी, और एक को क्या मानना है? ए प्लस डी। अब बताओ आगे वाली इसमें कितना डी जोड़ना पड़ेगा? 2d। कितना डी जोड़ना पड़ेगा? 2d। तो यहां से कितना बन जाएगा? ए प्लस का 3d, और इसे पहले वाले में से 2d घटाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगी? ए माइनस 3d। अगर समांतर श्रेणी में पदों की संख्या सम हो, क्या हो? पदों की संख्या सम हो, तो मध्य वाले कितने पद होंगे बताओ? 2। ए को मानना है ए माइनस डी, ए को क्या मानना है? ए प्लस डी। आगे वाली संख्या है तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 2d, तभी आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। और अगर पहले वाली संख्या ज्ञात करनी है तो इसमें से कितना घटाना पड़ेगा? माइनस का 2d, तब जाके ये आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो हल कैसे करेंगे? समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के
चार पद क्रमशः क्या होंगे बताओ, चार पद क्रमशः क्या होंगे? अब बताओ इनमें से बड़ी वाली तो कौन है? ए प्लस थ्री डी, ये तो क्या है? ये तो क्या है? बड़ी वाली संख्या है। ये तो क्या है? बड़ी वाली संख्या। ये क्या है बताओ? ये क्या है? छोटी वाली संख्या है। तो समांतर श्रेणी के चार पद क्रमशः क्या होंगे बताओ? ए माइनस थ्री डी, ए माइनस थ्री डी, फिर कितना? ए माइनस डी, फिर कितना? ए प्लस डी, ए प्लस डी, और कितना बताओ? और ए प्लस, ए प्लस थ्री डी है, ए प्लस थ्री डी। अब क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार इन चारों संख्याओं का हमें क्या दे रखा है? योग दे रखा है। क्या दे रखा है? योग। तो पहले वाली संख्या तो क्या है? a माइनस थ्री डी। पहले वाली संख्या तो a माइनस थ्री डी। दूसरी वाली कितनी है? a माइनस डी। तीसरी वाली कितनी है? a प्लस डी। और चौथी वाली कितनी है? a प्लस कितने? a प्लस थ्री डी। इन चारों का हमें क्या दे रखा है? योग दे रखा है। तो योग दे रखा है तो क्या बनाएंगे? प्लस। और चारों का योग कितना दे रखा है बताओ हमें? 50। कितना दे रखा है? 50। यानी समांतर श्रेणी के चार पद क्रमशः इस प्रकार होंगे। अब ये कैसे आए बता दिया आपको। अब प्रश्नानुसार चारों का हमें क्या दे रखा है? योग दे रखा है। बताओ योग कितना दे रखा है? 50। अब आगे हल करेंगे। a माइनस थ्री डी प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस का थ्री डी बराबर में कितना? 50। प्लस के थ्री डी से माइनस का थ्री डी क्या हो गया? कैंसिल। और प्लस डी से माइनस का डी क्या हो गया? कैंसिल। तो बताओ a और a दो, a तीन, a और a चार, चार a बराबर कितना आ गया बताओ? 50। तो a बराबर कितना आ गया बताओ? 50 से चार गुना में किसमें आ जाएगा? भाग में। तो a बराबर 50 में दो का भाग जा रहा है, कितनी बार? 25 बार। बटा चार में कितनी बार? दो बार। तो बताओ पढ़ता हूं पद कितना ज्ञात हो गया? कितना ज्ञात हो गया? 25/2। इसी प्रकार ने क्वेश्चन में एक संबंध और दे रखा है। एक तो कौन सी संख्या है? बड़ी संख्या। कौन सी संख्या है? बड़ी संख्या। और एक कौन सी है? छोटी संख्या। बताओ बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास इनमें से? बड़ी संख्या ये छोटी से बड़ी है, सबसे बड़ी कौन सी है? a प्लस थ्री डी, यही तो है ना बड़ी संख्या। यानी क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या से कितने गुनी है? चार गुनी है। कितने गुनी है? चार गुनी। और छोटी संख्या क्या है बताओ हमारे पास? a माइनस थ्री डी, a माइनस थ्री डी। बताओ बड़ी संख्या कितनी गुनी है? चार गुनी। तो अगर बड़ी संख्या चार गुनी है तो छोटी को किससे गुना कर दो? चार से। तब जाके दोनों का मान क्या हो जाएगा? बराबर। a प्लस का थ्री डी बराबर चार को इससे गुना करेंगे, चार a माइनस का 12 डी, यही तो है ना। a ये प्लस का चार है, इधर आगे किसका बन जाएगा? माइनस का चार है बराबर माइनस का 12 डी, माइनस का 12 डी। और ये प्लस का तीन डी, इधर आगे किसका बन जाएगा? माइनस का 3 डी। तो कितना आ गया? माइनस का 3 है बराबर माइनस का 15 डी। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। 3 इंटू बताओ एक की जगह कितना रखेंगे? एक की जगह कितना रखेंगे? 25/2 कितना रखेंगे? अरे ये वाला मान याद हो गया ना हमें, 25/2।
तीन इंटू एक कितना रखेंगे, 25 बटा 2 बराबर में कितना, 15 डी। ये कितना आ गया, 25 को 3 से गुना करेंगे 75 बटा 2 बराबर कितना, 15 डी। 15 एकम 15, 15 5 75, ठीक है। तो बताओ डी बराबर कितना आ गया, 5 बटा 2 बराबर क्या आ गया, डी। बताओ डी वाला मान कितना ज्ञात हो गया, 5 बटा 2। हमें तो चारों संख्याएं याद करनी है, इसलिए a माइनस 3d बराबर, a माइनस 3d बराबर पहले वाली संख्या यही तो है ना, a वाला मान कितना है बताओ, कितना है, 25 बटा 2 माइनस 3 इंटू डी वाला मान कितना है बताओ, 5 बटा 2। तो ये कितना आ गया, 25 बटा 2 माइनस 5 3 15 बटा 2 लघुत्तम कितना आ गया, 2। तो ये आ गया 25 माइनस 15 कितना आ गया, 10 बटा 2 बराबर कितना आ गया, 5। बताओ पहले वाली संख्या कितनी, 5। इसी प्रकार दूसरी वाली संख्या क्या है हमारे पास, a माइनस डी बराबर, a वाला मान तो कितना है, a वाला मान तो कितना है, 25 बटा 2 माइनस d वाला मान कितना है, 5 बटा 2 लघुत्तम कितना आ गया, 2। तो ये आ गया 25 माइनस 5 यानी कितना आ गया, 20 बटा 2 बराबर कितना आ गया, 10। बताओ दूसरी वाली संख्या कितनी ज्ञात हो गई, 10। इसी प्रकार तीसरी वाली संख्या क्या है बताओ, a प्लस डी बराबर, a वाला मान तो कितना है, वही 25 बटा 2 प्लस d वाला मान है 5 बटा 2 लघुत्तम कितना आ गया, 2। तो ये आ गया 25 प्लस 5 कितना आ गया, 30 बटा 2 कितना आ गया बताओ, 15। तीसरी संख्या कितनी आ गई, 15। इसी प्रकार चौथी संख्या क्या है बताओ, a प्लस का 3d बराबर, a वाला मान तो कितना, वही 25 बटा 2 प्लस 3 इंटू डी वाला मान, वही 5 बटा 2 कितना आ गया बताओ, 25 बटा 2 प्लस 5 3 15 बटा 2 लघुत्तम आ गया कितना, 2। कितना आ गया, 25 प्लस 15 कितना आ गया, 40 बटा 2 बराबर कितना आ गया, 20। कितना आ गया, 20। तो नीचे क्या लिखेंगे, आता है समांतर श्रेणी की चार संख्याएं क्रमशः क्या होंगी बताओ, क्रमशः क्या होंगी, 5, 10, 15 और 20 होंगी। हमें समांतर श्रेणी की चार संख्याएं दे रखी, तो चार सम है कि विषम, सम है तो यानी मध्य वाले कितने पद होंगे, 2। a को मानना पड़ेगा हमें क्या, a माइनस डी, a को क्या मानना पड़ेगा, a प्लस डी, फिर आगे वाला कितना डी जोड़ना पड़ेगा, 2d, तो कितना बन जाएगा, a प्लस 3d, और इससे पहले वाली 2d घटा दो क्या आ जाएगा, a माइनस 3d। आप प्रश्न अनुसार में चारों का क्या दे रखा है, योग कितना, 50। तो ये आ गया a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d बराबर में कितना, 50। माइनस 3d से प्लस का 3d क्या हो गया, कैंसिल, और प्लस d से माइनस d क्या हो गया, कैंसिल, तो 4 a बराबर कितना आ गया, 50। तो a बराबर 50 बटा 4 यानी a बराबर कितना आ गया, 25 बटा 2। इसी प्रकार हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या में एक संबंध दे रखा है कि ये बड़ी संख्या है a प्लस 3d, ये तो होगी ना बड़ी, और छोटी क्या होगी, a माइनस 3d। ये बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुनी है, कौन है 4 गुनी, बड़ी संख्या, जैसे छोटी को 4 से गुना करेंगे दोनों संख्याओं का मान क्या हो जाएगा, बराबर। तो a प्लस 3d बराबर 4a माइनस का 12d।
कितना 3 × a वाला मान है हमारे पास कितना 25/2 कितना है 25/2 कितना 3 × a की जगह कितना 25/2 बराबर 15 डिग्री 25 को 3 से करेंगे 75/2 बराबर 15 डिग्री 15 × 1=15 75 में कितनी बार 5 बार यानी 5/2 बराबर कितना d तो d बराबर 5/2 इसलिए सबसे छोटी संख्या a-3d है मान रखेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो गया 5 इसी प्रकार दूसरी वाली a-b का मान कितना प्राप्त हो गया 10 इसी प्रकार तीसरी वाली a+d का मान कितना प्राप्त हो गया 15 इसी प्रकार चौथी वाली संख्या a+3d ये सबसे बड़ी संख्या है कितनी 20 अतः समांतर श्रेणी की चार संख्याएं क्रम से 5, 10, 15 और 20 अब देखते हैं प्रश्नावली 5.3 इसमें हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के पदों का योग क्या पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के पदों का योग समांतर श्रेणी के पदों का योग ठीक है तो योग के दो सूत्र होते हैं पहले वाला और योग को किससे लिखते हैं एस एन से किससे लिखते हैं एस एन से समांतर श्रेणी अगर पदों का योग आ जाए तो योग को किससे लिखेंगे एस एन से किससे लिखेंगे एस एन से तो एस एन बराबर सूत्र क्या होगा एन बटा दो कोष्टक 2a + n - 1 × d S n बराबर सूत्र क्या होगा n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × d ठीक है और दूसरे वाला सूत्र वो बनेगा इसी से n/2 कितना यह है बताओ तो a + a + 2a को अलग अलग कर दिया a + a + का n - 1 × d n/2 बताओ ये सूत्र किसके बराबर होता है a + n - 1 × d किसके बराबर होता है an के बराबर होता है कि नहीं Sn बराबर क्या होता है a + n - 1 × d तो ये a तो a सा का ऐसा प्लस a + n - 1 × d किसके बराबर होगा an के बराबर किसके बराबर n/2 कोष्ट a + an किसके बराबर होता है an किसके बराबर होता है l के बराबर किसके बराबर यानी जो n वहां पर an होता है वो अंतिम पद l के बराबर होता है तो an की जगह क्या रखें l तो बताओ ये योग का कौन सा सूत्र बन गया दूसरा ठीक है तो बताओ समांतर श्रेणी के योग के कितने सूत्र होते हैं दो अब ये वाला सूत्र तो कब काम में लेना है अगर हमें या तो ऐसे इनका मान मिले a का मान मिले और d का मान मिले लगभग इतना याद रखना कि जहां हमें प्रथम पद a और सार्वअंतर d मिले और पदों की संख्या मिले तब तो ये वाला सूत्र काम में लेना है ठीक है अगर हमें सार्वअंतर d का मान दे दिया गया सार्वअंतर d का मान दे दिया तब तो हमें ये वाला सूत्र काम में लेना है लगभग ठीक है और कहीं भी हमें अंतिम पद l का मान दे दिया किसका मान दे दिया अंतिम पद l भी दे सकता है और an भी दे सकता है दोनों एक ही हैं अगर an का मान देंगे तो भी ये वाला सूत्र काम में लेंगे और अगर l वाला मान देंगे तो भी ये वाला सूत्र काम में लेंगे ठीक है तो यहां से ये दोनों सूत्र याद रखने हैं
समांतर श्रेणी के n पदों का योग S n बराबर एक, तो क्या होता है S n बराबर n बटा दो cos 2a plus n minus 1 into d, और दूसरा क्या होता है S n बराबर क्या होता है n बटा दो cos 2a plus n, ये दोनों सूत्र याद रख लेना ठीक है। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 13। योगफल ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है योगफल। समांतर श्रेणी ए 4 7 10 के 20 पदों का योग ज्ञात करें, कितने पदों का 20 पदों का। अगर श्रेणी समांतर है तो क्या लिखेंगे एपी लिखेंगे, क्या लिखेंगे एपी, दे रखिए 1 4 7 10, 1 4 7 और 10 20 पदों का, कितने पदों का योग ज्ञात करना है 20 पदों का, ये 20 अंतिम पद नहीं है, कितने पदों का योग ज्ञात करना है 20 पदों का, कितने पदों का 20 पदों का। तो यहां से पढ़ता पद एक का मान तो कितना, पढ़ता पद ए बराबर तो कितना एक, सार का अंतर, सार का अंतर बी बराबर ए टू माइनस ए वन, ए टू वाला मान कितना है 4, माइनस ए वन वाला मान कितना है, कितना आ गया बताओ 3, कितना 3। पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या एन कितनी दे रखी है बताओ, कितने पदों का योग ज्ञात करना है 20 पदों का। अब सार अंतर डी अंतिम पद नहीं दे रखा है ना, तो जिस सूत्र में डी काम में आता है वो काम में लेंगे। अब एन पदों का योग, एन पदों का योग, एन पदों का योग एस एन बराबर क्या होगा सूत्र, एन बटा दो cos 2a प्लस एन माइनस वन इंटू एस एन बराबर एन बटा दो cos 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन डी कितना रखेंगे बताओ, कितना रखेंगे एन डी में 20 बराबर इसे एन डी ए भी 20 बटा दो cos 2a, दो इंटू ए डी ए कितना रखेंगे 1 प्लस इस एन डी ए भी कितना रखेंगे 20 माइनस 1 इंटू डी वाला मान कितना है 3, तो कितना आ गया 20 बटा दो cos 2a, दो प्लस 20 में से कम करेंगे 19 इंटू कितना 3, तो 20 बटा दो, या 20 में दो का भाग में कितना है बताओ 10 cos 2a, दो प्लस 19 को 3 से गुणा करेंगे 57, तो 10 इंटू 57 और दो 59,
कितना आ गया 590। तो बताओ समांतर श्रेणी के 20 पदों का योग कितना होगा? आता है समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के 20 पदों का, 20 पदों का योग, 20 पदों का योग 590 होगा। अतः समांतर श्रेणी के 20 पदों का योग कितना होगा? 590 होगा। इसी प्रकार देखते हैं इसी का दूसरा। श्रेणी समांतर है तो क्या लिखेंगे? AB। दो सात बारह के 10 पदों का, के 10 पदों का, कितने पदों का? 10 पदों का। इसमें भी के लिखे हैं, कितने पदों का योग याद करना है? 10 पदों का। वही प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर कितना? प्रथम पद ए बराबर कितना? दो। सार्व अंतर डी बराबर, सार्व अंतर डी बराबर ए टू माइनस ए वन। ए टू वाला मान कितना है? ए टू वाला मान कितना है? 7। माइनस ए वन कितना है? 2। 7 माइनस 2 कितना? 5। कितने पदों का योग याद करना है? 10 पदों का। तो क्या लिखेंगे? पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर कितनी दे रखी है? 10। पदों की संख्या n बराबर कितनी दे रखी है? 10। अब योग याद करना है हमें। अब n पदों का योग, n पदों का योग, योग के लिए सूत्र है संख्या होता है, बताओ। सार्व अंतर d काम में आ रहा है ना, तो कौन सा सूत्र काम में लेंगे? n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन डी कितना रखेंगे? 10 बराबर इस एन डी का भी 10 बटा 2 कोष्टक 2 इंटू ए की जगह कितना रखेंगे? 2 प्लस एन की जगह कितना? 10 माइनस 8 इंटू डी की जगह कितना? 5। 10 में 2 का भाग देंगे 5 कोष्टक 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस 10 में से घटाएंगे 9 इंटू कितना? 5। 5 कोष्टक 4 प्लस 9 को 5 से गुणा करेंगे 45। 5 कोष्टक 45 में 4 जोड़ेंगे 49। 5 9 45 20 और 4 24। बताओ 10 पदों का योग कितना आया? आता है समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग, 10 पदों का योग कितना होगा बताओ? 245 होगा। अतः समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग कितना होगा? 245